हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की जो हम खबर आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि दोस्तों आज की खबर जो जुड़ी है वो है कंप्यूटर टीचर भर्ती 2021 को लेकर के। दोस्तों, 3 जून को हम शिक्षा निदेशालय बीकानेर गए थे, वहाँ से हमने जो भी जानकारी जुटाई है अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, क्या इसमें PGDCA ECA वाले अलाउ किए जाएंगे, कितनी पे ग्रेड पर आपकी वैकेंसी आएगी, उसके अलावा आपकी विज्ञप्ति कब तक जारी की जाएगी, क्या विज्ञप्ति संविदा पर आएगी या परमानेंट आएगी, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, छोटी सी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले यहां पर कंप्यूटर टीचर भर्ती को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कंप्यूटर टीचर भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट घोषणा 2019-20 में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 14,600 पदों पर आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। लेकिन 2 साल यहाँ पर ख़त्म होने में आए, लेकिन अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी करना तो दूर, इसका सिलेबस भी जारी नहीं किया गया। इसको लेकर के युवाओं में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि कंप्यूटर टीचर भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से इसका इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। तो दोस्तों, इसको लेकर के वर्चुअल धरना, डिजिटल स्ट्राइक, उसके अलावा ट्विटर वार के माध्यम से स्टूडेंट अपनी बात यहाँ पर सरकार को बोलना चाहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए युवाओं ने जो अभी सबसे बड़ा हथियार अपनाया था वो है वर्चुअल धरना को लेकर के। इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उसके अलावा कांग्रेस सरकार की यहाँ पर काफ़ी आलोचना हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब आए थे यहाँ पर, चुनाव आया था उस टाइम, यहाँ पर रोजगार की बात की थी और कहा था कि जो युवाओं को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपने जैसा देखा होगा, अभी तक ना तो पटवार की एग्जाम डेट घोषित की गई है, ना अभी तक रीट का एग्जाम करवाया गया है, ना अभी ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जारी की गई है। उसके अलावा 2 साल यहां पर आए और कंप्यूटर टीचर की विज्ञप्ति तो दूर, यहां पर सिलेबस भी यहां पर जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये तो हुई थी हमारी छोटी सी बात, लेकिन दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर शिक्षा निदेशालय बीकानेर में जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी था, उनसे हमें बात की तो वहां से क्या जानकारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यहां पर बता देते हैं कि जो आपकी फाइल है वित्त विभाग से तो काफी पहले ही पास हो चुकी है, अभी जो आपकी फाइल है कंप्यूटर टीचर भर्ती की वो है CMO में। और दोस्तों, जैसे ही CMO से फाइल को अप्रूवल मिलता है, आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, और पूरी संभावना अधिकारियों के द्वारा यही कहा गया कि अगस्त माह तक आपकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर दूसरी बात है कि आप PGDCA और ECA वाले इस भर्ती में अलाउ होंगे। जी हाँ दोस्तों, PGDCA उसके अलावा ECA वाले इस भर्ती में अलाउ किए जाएंगे। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी कौन सी संस्था इस भर्ती का एग्जाम करवाएगी, क्या RPSC इसका एग्जाम करवाएगी, अधीनस्थ बोर्ड करवाएगी, या फिर कोई दूसरी संस्था इस भर्ती का पेपर करवाएगी। तो दोस्तों, इस भर्ती का जो पेपर करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। लिख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, 100% कंफर्म जानकारी हमारे द्वारा आपको यहां पर दी जा रही है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसका पेपर यहां पर करवाया जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों, यहां पर जो कंप्यूटर टीचर है उसका नाम बदल करके कंप्यूटर अनुदेशक करने की भी यहां पर चर्चा चल रही है। हो सकता है भविष्य में कंप्यूटर टीचर भर्ती का नाम कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर शिक्षक का नाम बदल करके कंप्यूटर अनुदेशक किया जा सकता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर टीचर का नाम बदल करके कंप्यूटर अनुदेशक आपका किया जा सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो डाप के मन में अब डाउट है कि क्या कंप्यूटर टीचर भर्ती परमानेंट आएगी या फिर संविदा पर आएगी, तो दोस्तों आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा मैं जो सटीक जानकारी यहाँ पर दी गई, अधिकारियों ने यह कहा है दोस्तों कि जो कंप्यूटर टीचर भर्ती है आपकी परमानेंट आएगी। दोस्तों, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए कि जो भर्ती है संविदा पर आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच करके बैठे कि यार भर्ती संविदा पर आएगी और इसी को लेकर के तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भर्ती आएगी परमानेंट आएगी, बिल्कुल भी संविदा पर नहीं आएगी, पूरी तरह से यहाँ पर परमानेंट आएगी। लेकिन दोस्तों, हो सकता है आपकी 14,000 पदों की जैसी घोषणा की गई थी, टोटल यहाँ पर 14,000 पदों पर आपकी भर्ती नहीं आएगी, अब कितनी 14,000 से कम पदों पर आपकी भर्ती आएगी, अब कितने पदों पर आएगी तो दोस्तों विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही पता चलेगी। उसके अलावा दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपकी ग्रेड पे आएगी, ग्रेड पे कौन सी ग्रेड पे पर आपकी भर्ती आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर 2800 पे ग्रेड पर आपकी यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, उसके अलावा अगस्त माह तक आपकी विज्ञप्ति आएगी, उसके अलावा PGDCA ECA वाले अलाउ किए जाएंगे, 2800 पे ग्रेड पर आपकी भर्ती आएगी, कंप्यूटर टीचर भर्ती का नाम बदल करके कंप्यूटर अनुदेशक किया जाएगा, राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा इसका एग्जाम करवाया जाएगा, उसके अलावा 2800 पे ग्रेड पर आपकी यहाँ पर विज्ञप्ति आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो भी हमें जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई थी, मैं सुबह 4 बजे ही दोस्तों यहाँ पर पहुँचा हूँ, जयपुर पहुँच करके मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर वीडियो बना करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल का हमारा पूरा दिन यहाँ पर बीकानेर में गया था। और दोस्तों, आज हम लगभग 11-12 बजे हम आज अधीनस्थ बोर्ड भी जाएंगे, वहाँ से भी आपके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब
ये सुनने में आ रहा है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा, तो वहाँ से भी हमें जो जानकारी मिलेगी आपके साथ साझा करेंगे। उसके अलावा पटवार भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती के बारे में भी हम आज अधीनस्थ बोर्ड जा करके वहाँ पर जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो सही लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान दोस्तों।